इस साल हमें अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्में देखने को मिलने वाली है, जैसे सरफिरा, खेल खेल में, स्काई फोर्स, वेलकम थ्री और हाउसफुल फाइव जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में आने वाली हैं। और इन सभी फिल्मों में से ज्यादातर फिल्में जो 2024 में ही रिलीज होने वाली है। और इसी के साथ अभी अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 3 फिल्म की शूटिंग भी चल रही है। लेकिन अभी अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू दी जंगल, जिसे आप वेलकम थ्री फिल्म के नाम से भी बुला सकते हो, और अभी इस फिल्म पर एक बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम थ्री का अनाउंसमेंट वीडियो 9 सितंबर 2023 को देखने को मिला था, जिस वीडियो में इस फिल्म के नाम और इस फिल्म की कास्ट का अनाउंसमेंट किया गया था। और इस फिल्म की कास्टिंग में अक्षय कुमार, दिशा पठानी, परेश रावल, जॉनी लीवर, संजय दत्त, लारा दत्ता, अरशद वारसी, जैकुलिन फर्नांडिस, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, तुषार कपूर, कृष्णा और भी बहुत सारे एक्ट्रेस जो इस फिल्म की अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। लेकिन अभी आई अपडेट से इस फिल्म के अंदर हमें एक बड़ा स्टार नहीं देखने को मिलने वाला है, और उस स्टार का नाम संजय दत्त होने वाला है, यानी संजय दत्त जो अब वेलकम थ्री फिल्म के अंदर नजर नहीं आएंगे। और मेकर्स ने इसका रीजन बताया है डेट्स का, क्योंकि पहले संजय दत्त को लगा था कि इस फिल्म की शूटिंग टाइम से शुरू होने वाली है और फिर टाइम से ही इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी संजय दत्त ने नोटिस किया है कि इस फिल्म के मेकर्स जो इस फिल्म के काम को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं और ना ही टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि जैसा इस फिल्म की शूटिंग के लिए प्लान बनाया गया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और तो और अभी वेलकम थ्री फिल्म की स्क्रिप्ट में काफी बदलाव भी किए जा रहे हैं, इसलिए इस फिल्म की शूटिंग की डेट्स जो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। इसलिए संजय दत्त ने ये निर्णय लिया है कि वो अब इस फिल्म के अंदर अपने किरदार को नहीं निभाएंगे, क्योंकि ऐसे बढ़ती गई डेट्स के कारण संजय दत्त की आने वाली फिल्मों का शेड्यूल भी खराब हो जाएगा, इसलिए संजय दत्त वेलकम थ्री फिल्म को नहीं करने वाले हैं। वैसे संजय दत्त ने पहले ही इस फिल्म की 15 दिनों की शूटिंग कंप्लीट कर ली है, लेकिन इसकी बढ़ती डेट्स के कारण अब संजय दत्त इस फिल्म को नहीं करने वाले हैं। तो क्या आप इस फिल्म के मेकर्स जो संजय दत्त ने अपने 15 दिनों की शूटिंग कंप्लीट की है, वो उनके उन दृश्यों को इस फिल्म के अंदर देने वाले हैं या फिर उनको पूरे तरीके से हटाने वाले हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो अपडेट ये है कि वेलकम थ्री फिल्म के मेकर्स जो अब इस फिल्म की स्क्रिप्ट में काफी बदलाव कर रहे हैं और वो अब संजय दत्त को इस फिल्म के अंदर एक गेस्ट कैमियो का किरदार देना चाहते हैं, जिसमें संजय दत्त ने जो पहले 15 दिनों की शूटिंग कंप्लीट की है कुछ सीन वो इस फिल्म के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ इस फिल्म के मेकर्स जो संजू बाबा से कुछ और सीन शूट करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, ताकि वो इस फिल्म के अंदर संजय दत्त के कैमियो को अच्छे तरीके से दिखा पाए। यानी अब वेलकम थ्री फिल्म के अंदर संजय दत्त का मेन किरदार तो नहीं होने वाला है, यानी संजय दत्त जो वेलकम थ्री फिल्म के अंदर एक कैमियो सीन में नजर आएंगे, लेकिन ये भी अभी मेकर्स ने कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि अभी इस फिल्म के मेकर जो संजू बाबा से इस फिल्म के लिए कुछ और सीन शूट करवाना चाहते हैं। लेकिन इसके ऊपर संजय दत्त का क्या जवाब आता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वैसे वेलकम थ्री फिल्म की कास्टिंग काफी बड़ी होने वाली है, जिसमें हमें बहुत सारे कॉमेडियन एक्टर देखने को मिलने वाले हैं, और ये फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म होने वाली है। और अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम थ्री जो हमें 2024 में ही क्रिसमस पर देखने को मिलने वाली है। तो क्या आप वेलकम थ्री फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि मैं तो इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आपकी इस वीडियो पर जो भी राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।